मार रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल खूनीगर्स में। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो गाइस देखो, आज से पहले आप लोगों ने सेंसिटिविटी के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके और प्रूफ के साथ समझाने वाला हूं कि आप लोगों की सेंसिटिविटी सेटिंग किस तरीके से रखनी चाहिए, जिससे गाइस आप लोगों के बन टैप मिस ना हो, आप लोगों के हेडशॉट मिस ना हो, आप लोगों की हर एक गोली फसाने वाले बंदे को हेड पड़े। चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 100 डायमंड का गबाबे चले जाएंगे, आप में से किसी भी एक रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दिए जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग गबाबे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाना और वहां पर आप लोगों को अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज कर देना। आप लोगों को इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दोनों जगह मिल जाएगी। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो गाइस अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को गेम में जाके वो ट्राई करना है। जैसे आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर आओ, यहां पर आपको टोटली 6 सेंसिटिविटी दिखती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में कि आप लोगों को जो अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी है उसे कितना रखना होगा, इसका जो काम है वो क्या होता है गेम के अंदर। आप लोगों की जो फ्री लुक सेंसिटिविटी होती है वो आप लोगों को गेम की कंट्रोल सेटिंग के अंदर मिलेगी। जैसे कि आप लोग इसे ऑन करते हो तो कहीं यहाँ पर आपके सामने कुछ और सेटिंग ऑन होकर आती है, जिनका नाम होता है स्प्रिंट, पैरासूट, ड्राइव। ये सेटिंग भी आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। अब देखो आप लोगों की जो फ्री लुक सेंसिटिविटी होती है वो वर्क किस तरीके से करती है। जैसे आप लोग अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी को ऑन करोगे तो आप लोगों की जो कस्टम एचडी होती है उसके अंदर आप लोगों को आई वाला साइन दिखाई देगा। अब आई वाले साइन का काम ये होता है कि अगर आप लोगों का कैरेक्टर रन कर रहा है या फिर आप लोग ड्राइव कर रहे हो या फिर आप लोग कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो कैरेक्टर होता है वो 360 डिग्री में घूम जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी उसे कितना रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को हमेशा अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी जो होती है उसे आप लोगों को 50 पे कर देना है। तो अभी हम बात करते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में कि आखिर स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती क्या है और ये किस तरीके से आप लोगों के गेम में वर्क करती है। आप लोगों की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो आप लोगों के स्नाइपर गन पर ही वर्क करती है। जैसे अगर आप लोगों ने AK-98 लगा रखी है, AWM ले रखी है, आपके देखो अगर आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करते हो उस टाइम पे आप लोग इधर से उधर देखते हो या फिर लेफ्ट साइड राइट साइड या फिर एनिमी के ऊपर अपना एम लेके जाते हो, उस टाइम पे आप लोग जब स्कोप ओपन करोगे ना तभी आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अदरवाइज अगर आप लोगों का स्कोप ओपन नहीं है तब आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी ऐसी कितनी रखनी है जो कि आपके लिए परफेक्ट हो। तो मेरे भाई देखो, अगर आप लोग न्यू स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग अभी के टाइम पर स्नाइपर गन चलाना सीखे हो तो उस टाइम पर आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को रख देना 70। लेकिन अगर आप लोग ओल्ड स्नाइपर प्लेयर हो या फिर आप लोग पहले से स्नाइपर गन चलाते आ रहे हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को रख देना है 90। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट सेंसिटिविटी आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी। अब आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी कैसे वर्क करती है, आप लोगों को अपनी फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी है उसे कितना रखना है। तो गाइस आप लोगों के फ्री फायर के अंदर दो तरीके की गन होती है। एक तो वो गन होती है जिनके अंदर आप लोगों का ऑलरेडी फॉरेक्स लगा हुआ होता है, जैसे आप लोगों की SKS हो गई, बुडपेकर हो गई, SPD हो गई, और गाइस कुछ गन ऐसी होती है जिनके अंदर आप लोगों को फॉरेस्ट स्कोप लगाना पड़ता है। फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो वर्क किस तरीके से करती है। तो गाइस देखो, अगर आप लोगों की गन के अंदर फॉरेक्स लगा हुआ है तो उस टाइम पे अगर आप लोग सामने बंदे पे जूम करोगे तभी आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अब देखो आप लोग जूम कब करते हो, जब आप लोगों के सामने कोई बंदा लॉन्ग रेंज में खड़ा हुआ होता है तब आप लोग अपना फॉरेस्ट स्कोप ओपन करते हो, देन सराउंड बंदे पर ड्रैग मारते हो या फिर आप लोग रोटेशन ड्रैग मारते हो, जो भी मारते हो आप लोग स्कोप ओपन करने पर ही मारते हो। तो भाई आप लोगों को हमेशा अपनी जो फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी है उसे आप लोगों को 100 रखना है। 100 क्यों रखना है, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग रेंज में हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट सेंसिटिविटी है आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी। आपको देखो जिस तरीके से आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है उसी तरीके से आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो भाई आप लोग तभी अपना जूम ओपन करते हो या फिर 2x तभी ओपन करते हो जब आपके सामने बंदा लॉन्ग रेंज में खड़ा हुआ होता है तब। तो गाइस आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी को भी 100 पे कर देना है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडशॉट सेंसिटिविटी के बारे में, वो है गाइस आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी ऐसी कितनी रखनी है जिससे गाइस आप लोगों का मूवमेंट एकदम फास्ट लेवल का हो, और आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी ऐसी कितनी रखनी है जिससे गाइस आप लोगों के हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल के पड़े और आप लोगों के बन टैप भी नेक्स्ट लेवल के पड़े। उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि देखो यहां तक मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो यहां तक थोड़ी सी पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि यार देखो 5 लाख फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब हैं और सिर्फ 10 या 15 हजार सब्सक्राइबर चाहिए। तो मेरे भाई अगर आप में से एक एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो बहुत जल्दी हमारे
हमारी 5 लाख फैमिली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यार बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। तो छोटा भाई समझ के यार सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, इसमें आप लोगों का कम से कम 10 सेकंड का टाइम लगेगा, तो 10 सेकंड मेरे लिए निकाल लेना यार, दबा दो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन एक साथ। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में, कि आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है और आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी उसे आप लोगों को कितना रखना है। देखो आप लोग जब फ्री फायर खेलते हो उस टाइम पर आप लोग अपने कैरेक्टर को इधर उधर भगाते हो, या फिर रन करते टाइम आप लोग अपने कैरेक्टर को इधर उधर घुमाते हो, तो उस टाइम पर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी वर्क करती है, आप लोगों का मूवमेंट इसी से मेंटेन होता है। और अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखते हो या फिर आप लोग नीचे की तरफ देखते हो, तो उस टाइम पर भी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी वर्क करती है। अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी कितनी रखनी है। तो देखो आप लोगों को हमेशा अपनी जो जनरल सेंसिटिविटी होती है उसे 95 प्लस रखना है, ठीक है। 95 प्लस में आप लोग 96, 97, 98 या 99 तक रख सकते हो, लेकिन कभी भी अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे मत किया करो। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, वो है गाइस आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी, कि आप लोगों को अपनी जो रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है और आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी किस तरीके से रखनी चाहिए। देखो अगर आप लोगों की गन में कोई स्कोप नहीं लगा हुआ है, या फिर आप लोग रेड एम करके बंदे को मारते हो, या फिर वाइट एम करके बंदे को मारते हो, या फिर आप लोग वन टैप हेडशॉट मारते हो, या फिर आप लोग हेडशॉट मारते हो, उस टाइम पर आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो देखो आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए सिंपली एक ट्रिक फॉलो करनी है, कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को 10 करना है। 10 करने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है, वहां पर आप लोगों को 10 हेडशॉट मारने हैं। 10 में से आप लोग अगर 7 पड़ते हैं, 8 पड़ते हैं, 9 पड़ते हैं, या फिर 10 के 10 हेडशॉट पड़ते हैं, तब तो आप लोगों को 10 ही रहने देना है। लेकिन अगर आप लोगों के बहुत कम हेडशॉट पड़ते हैं उस टाइम पर आप लोगों को इसे 10 बढ़ा देना है, 20 कर देना है, फिर 30 कर देना। आप लोगों को इसी तरीके से फाइंड करना है। लेकिन अगर आप लोग ये भी फाइंड नहीं कर पाते हो, तो सिंपली आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को उतना ही कर देना है जितनी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है। जैसे अगर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी 96 है, तो उस टाइम पर आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 96 कर देना है। आज की वीडियो में 100 डायमंड का गिवअवे चल रहा है, तो इंस्टाग्राम पर जाके मेरे को मैसेज जरूर कर देना अपनी यूआईडी चाहता। और मेरे भाई अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि यार देखो 5 लाख फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब है, तो छोटा भाई समझ के अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट है वो दिखाओ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।